सिद्धि जी क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ये सवाल है, थोड़ा सा लंबा है। यदि पति पत्नी में कोई भी एक पार्टनर, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, एक पार्टनर कोई चीट करता है और वो वाली चीज पता चलती है, सामने आती है वो वाली चीज, पर जो दूसरा पार्टनर है सारी चीज को जानते हुए समझते हुए उस अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहता है और उसके साथ कैरी ऑन करना चाहता है, तो वो किस मनोदशा के साथ इस तरह से, जैसे आप बता रहे हैं कि जीने दो से ज्यादा जरूरी है, सो और सोने दो, ऐसे में पार्टनर की जो दूसरा होगा उसकी नींद तो उड़ी जाएगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और वहां पे जो भी हमारे अभी तक के मंत्र रहे हैं, चलो कभी ऐसा भी कहेगी या देखा जाएगा, ये वाली सारी चीजें उस समय पे मनोदशा ऐसी होती है कि वो सब नहीं इंसान कर पाता है, तो ऐसे में इंसान कैसे आगे बढ़े जो कि दोबारा ये चीज रिपीट होने का डर भी ना रहे मन में, और मतलब कैसे वो स्थिति से बाहर निकले और नॉर्मल जिंदगी अपनी उसी पार्टनर के साथ जीनी शुरू कर पाए। ये बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न है इनका। इन्होंने पूछा है कि एक हस्बैंड और वाइफ है और उनके जीवन के अंदर उन दोनों में से कोई एक दूसरे व्यक्ति को चीट करता है। चीट करना पहला शब्द है। अब वो पति और पत्नी माफ कर देते हैं कोई एक दूसरे को, कह चलो यार तुझे माफ किया और साथ रहना चाहते हैं, तो उस चीट करने के बावजूद भी प्रेम से शांति से कैसे रहा जा सके? ये बड़ी क्रांतिकारी बात है कि एक पति और पत्नी है जिनके बीच चीटिंग हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम इस पर लौटते समझनी पड़ेगी। एक उदाहरण लेता हूं मैं। चीटिंग होती है ओनली रिलेटेड टू सेक्स, के संबंध कहीं बाहर बना लिया। चोरी होती है धन की, चीटिंग मतलब कोई दूसरा साथी भी चुन लिया अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त। एक लड़का है, छोटा बच्चा, ये इसकी माँ है, ये छोटा बेबी है, ये माँ है, ये फीमेल तत्व है स्त्री। हम इसे हस्बैंड वाइफ पे ले जाएंगे ये समझाने के लिए उदाहरण। ये हस्बैंड वाइफ, ये हो गया मेल तत्व, ये माँ है, ये बेटा है, ये हम बाप और बेटी नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे कारण है माँ और बेटा, अभी बात क्लियर हो जाएगी। ये माता फीमेल, ये मेल। अब इस छोटे बच्चे को माँ से क्या चाहिए? अभी इसकी सेक्स की इंद्रियां उन्नत नहीं हुई है, मानसिक विकास इसको सेक्स के प्रति नहीं हुआ है, और ना शरीर को सेक्स की आवश्यकता है। छोटा बच्चा है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा, छोटी आवाज है, दाढ़ी मूछ नहीं निकली है, वो नॉर्मल है, अपना स्वाभाविक रूप से चल रहा है। तो ये अपनी माँ एक स्त्री के साथ बड़े सुख से जी रहा है। सुख और मजा पर भी हमें बात करनी थी इसलिए मैंने दोबारा लिखा। बड़े सुख से जी रहा है, इसे स्त्री मानसिकता, स्त्री आवाज, स्त्री शरीर मिल रही है। ये पुरुष मानसिकता, पुरुष शरीर डेवलप जितना है, अंडर डेवलप्ड है, पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जितना विकास है उसमें इसे माँ मिल रही है, काफी है। माँ भी इसको किसियां कर लेती है, स्पर्श करती है, खेलता है माँ के साथ, साथी भी मिला है, प्रेम भी मिला है, इसे सेक्स चाहिए। अब ये माँ है, इस माँ के पास पुरुष है, इसको पुरुष भी मिल गया। ये बड़ी विडंबना किसकी है? विडंबना इस माँ की है, क्योंकि इसको शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से संबल भी है, इसको शरीर का सुख भी चाहिए, शरीर को चाहिए, इसके मन में कोई ऐसी चेतना नहीं है कि बैठ करके सेक्स करूं। सेक्स एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे देश में, मानसिकता में, जबकि शुरुआत में सेक्स एक बड़ी ओपन चीज थी हमारे देश में। अब इसको क्या करेगी? इसकी ए बी सी डी ऊर्जा, जिसमें डी एक सेक्स की ऊर्जा है, शारीरिक संपर्क की, ऐसे उदाहरण ले रहे, इसकी ए बी सी डी है नहीं, तो यह कैंसिल हो गई। अब इस लेडी को जितने आदमी मिलते हैं सिर्फ सेक्स के साथ ही, प्रेम का मिलता ही नहीं। अब ये रोती इस चीज को है, यार प्यार नहीं करते आदमी, कितने कुत्ते हैं साले, सारे कमीने हैं, इसके अंदर ये ऊर्जा का वैक्यूम ही नहीं है, ये पूर्ण हो चुका है, इसको डी वाले मिलते हैं फिर ये कहते हैं आदमी है ही राक्षस साले कुत्ते हैं। और इसका ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो ये ऊर्जा है ये ब्लॉक हो जाती है। अब फिर ये फंस जाते हैं किसी पुरुष के साथ शारीरिक संपर्क में। अभी उसे कहते तू प्यार भी दे, प्यार वो देना भी चाहे तो ये ऊर्जा में वैक्यूम नहीं है। आपके पास प्लेट होगी तभी तो रोटी रखी जाएगी, इसके पास प्लेट ही नहीं है, ये प्लेट यहां पूरी हो चुकी है। इसलिए माँ जब बड़ा होता है बेटा, उसके साथ पत्नी आने के बाद बट जाती है, उसको लगता है मेरा बेटा छीन लिया बहू ने, क्योंकि माँ बेटे के बीच ये संबंध नहीं हो सकता, ये जेनेटिकली ठीक नहीं है, बायोलॉजिकली नेगेटिव है, डीएनए लेवल पर मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो ये जब पत्नी के साथ वो बाहर संपर्क में आता है तो उसको वहां से स्त्री मिलने शुरू हो जाती है, माँ को बुला देता है, माँ कहती है बेटा बदल गया, ये बहू ने हमें हमारा बेटा छीन लिया, छीना क्या, इसीलिए तो विवाह किया था कि ये ऊर्जा भी पूर्ण हो जाए और वो बेटा बाहर जाके भटके ना, ये बेटी बाहर जाके भटके ना। अब इसे भटकना क्या है, ये चीटिंग है, भटकना हो गया, ये पुरुष और स्त्री का विवाह हो गया, इनकी ए बी सी ऊर्जा है इस पुरुष की, मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूं, ए बी सी डी, इसका डी सो चुका है,
द्रवित है, दुखी है, टेस्टोस्टेरोन डाउन है, मानसिक रूप से पीड़ित है, एक तरह से हमेशा स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है, तो इसके जीवन में क्या होगा? ये डी इस बेचारी का खाली रह गया। ये ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली। ये पत्नी बहुत अच्छी है, एबीसी पूरा मिलता है, पति इसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन डी इसका डी इसको बाहर अपने आप इन्वॉल्व कर देगा। ये कोई कर रहा है, इसे प्रकृति कहते हैं, ये बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी है। ये ऑटोमेटिकली बेचारी कहीं भटक जाएगी, इसे भटकना कहते हैं, भटकना नहीं है, पूर्ण होने के लिए जाएगी। जब ये पूर्णता हो जाएगी तो ये इसका खून पिएगा, सुनो मुझे धोखा दिया, धोखा दिया, वो जो पहले कहानी हो चुकी, भाई धोखा क्यों दिया लड़की ने? क्योंकि वो वहां सुखी हो गई। तो लड़के को क्या सोचना है? सुखी हुई है यार, इसके सुख से मुझे सुख है। तो कहां जाए मोना? वापस कैसे आएगी ऊपर के चक्कर पे? मोना कहां फंसी? मोना कहां भटकी? मोना यहां भटकी। अब मजे की बात क्या है, मोना वापस चाहिए तो इसको मोना को खुश देखना है, इसको पत्नी को खुश देखना है, लेट इट बी। बहुत बड़ा दिल चाहिए स्त्री का होता है, स्त्री का बहुत बड़ा दिल होता है, वो पति को 400 बार माफ कर देती है, क्योंकि पति से उसको यदि सेक्स ना भी मिले तो पति मिला हुआ है, ये भी उसका सुख है। स्त्री व्रत रख लेती है, बड़ा उसके अंदर बड़ा गुण है, वो उस चीज के लिए पकड़ के बैठ जाती है कि जो मिला नहीं छोड़ूंगी। पुरुष कहता है दफा कर यार, मेरे को इतना मत फालतू दिमाग खा, तो मुझे फ्री छोड़। दोनों अलग है ना, पूरक है, दोनों एक दूसरे से उलट है। स्त्री फिर निभा लेती है रो पिट के, आदमी नहीं माफ कर पाता। तो बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। पुरुष को क्या चाहिए? बहुत बड़ा ज्ञान। क्या चाहिए? तुरीय शब्द की परिभाषा से दो चार होना पड़ेगा, पूर्णता लानी पड़ेगी, लयबद्धता लानी पड़ेगी, मानसिक ज्ञान लाना पड़ेगा। जा यार खुश रह ले। आखिर में अमरीश पुरी को क्या हुआ? बड़ा गजब का कॉस्मिक संदेश है ये, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब तक तू जी रही थी मेरी जिंदगी, मैं हट गया। ये मैं कहां था? क्यों कहते हैं मैं मत बोलो, मैं यहां रखता है। और यहां रखने से 1 लाख की नौकरी छूट जाती है, मैं रखने से बीवी छूट जाती है, प्रेम छूट जाता है। मैं खत्म कर दो, मैं शब्द मत बोलो। मैं क्या होता है? मैं इलेक्ट्रिकल करंट है, मैं है अहंकार, अहंकार। ये 3 चक्र है जहां पर इलेक्ट्रिकल थॉट बनता है, इलेक्ट्रिकल बिजली का करंट, इससे यहां पर हलचल होती है और हार्ट जो है संदेश देता है। ये याद रखें, अगर आप मैं शब्द का उपयोग नहीं करते, आपको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। अग्नि की चिंगारी जैसा मैं का इलेक्ट्रिकल करंट, हार्ट जो लगभग जल ही है पूर्ण रूप से, पानी की तरह है, ये इसको साड़ देता है। इतना जबरदस्त करंट आता है, मैं, ये इसको साड़ देता है। आपकी हार्ट बीमार हो ही नहीं सकती किसी हालत में। हार्ट अटैक तो इम्पॉसिबल है, भूल जाओ, किसी को हुआ ढूंढते रहना, कारण कोई और होगा। उसका मैं जिंदा है, मानसिक रूप से कहीं मैं चल रहा है। इस मैं की मौत होती है, इसलिए इंसान के षड विकार उस मनुष्य के हृदय पे चोट मारते हैं। हृदय का जो खाना होता है ना, इस पे बहुत बड़े इम्प्रिंट्स बने होते हैं। ये रखेंगे, इसी के विस्तार ले रहे हैं हम यहाँ। ये दिल हो गया हमारा, इसके अंदर खाने हैं मेमोरीज के, और उस हिसाब से एक्शन के। ये कहा जाता है कि जहां जितना पानी डालोगे उस हिसाब से घास उगेगी। घास क्या है? हरा। हरा क्या है? हृदय चक्र, ग्रीन विद्योर में। पानी डालो मींस स्वादिष्ट खाना, ऊर्जा। आप जितना इसमें मैं डाल रहे हो, अहंकार डाल रहे हो, आपने इसमें जितना ऐसे मेमोरी के ब्लॉक्स बने हुए, इसमें ढेर सारे ब्लॉक्स हैं, इसमें मेमोरी के इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं मेमोरी के इम्प्रिंट्स? हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन है ऊपर खोपड़ी, ये सत्य और झूठ को नहीं पहचानता, इमेजिनेशन और रियल। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तुरीय चौथा फोर्थ। ये ब्रेन का कंपोनेंट जो है, ये आंखों देखा हो रहा है, ये खोपड़ी में हो रहा है, ये डीप स्लीप है। पहला है जो रियल लग रहा है, दूसरा क्या है? इमेजिनेशन है। ये इसलिए क्योंकि सब रियल ही है, सब इमेजिनेशन ही है। जो दिख रहा है वो भी इमेजिनेशन है, जो सोच रहे हैं वो भी इमेजिनेशन है, या जो दिख रहा है वो भी रियल है और जो सोच रहे हैं वो भी रियल है। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, इम्प्रिंट्स रख लेता है, इसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और दिल पे इंपैक्ट डाल देता है। आपका दिल पे आजकल कर्मा क्लीनिंग की बात होती है, मुझे अभी बताया कि भाई कर्मा क्लीनिंग हो रही है यूएस में, उसके बड़े अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, पवन जी ने बताया। तो उसके लिए क्या ड्रामा है क्या नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आपके कर्म हो गए, आपने कर्म किया। कैसे कर्म किया? आपकी बॉडी ने कर्म कर दिया। पहले किसने किया? ब्रेन ने किया। भाई ब्रेन में आया, ब्रेन पूरे जन्म में 20-30 लोग मार चुका होता है, पक्की गारंटी मार चुका होता है। जिनके साथ रह रहा होता है उन्हें भी मार देता है, अपने बच्चों को भी मार देता है, बच्चे बाप को मार देते हैं। ब्रेन सब कुछ करता है, बॉडी नहीं करती। लेकिन बॉडी ने किया चाहे नहीं किया, ब्रेन ने किया, उसकी लाइब्रेरी बन जाती है। अगर आपने ब्रेन में, हम जो मनन करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं,
हम जो बात कर रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, वो सब ब्रेन ही कर रहा है। और ब्रेन ऐसा डिजाइंड है कि सत्य और झूठ को नहीं जानता। इस पर पहले क्लासेस हो चुकी हैं। आपने फिल्म देखी, रो रहे हैं, तो सामने पर्दा चल रहा है, रो रहे हैं, मिरर न्यूरॉन्स, ब्रेन कहता नहीं असली है। आप चाहे तो खाने की फोटो के बारे में सोच के मुंह में पानी ला सकते हैं, बात करने से भी सोच सकते हैं। बॉडी डिजाइंड ही ऐसी है कि ब्रेन के हिसाब से चले, ऑटो पायलट। जिनका नहीं चलता वहां भी लफड़ा है, साधु उसको रोक लेता है, संभाल लेता है, साध लेता है, संत उसके साथ जीना सीख जाता है। अब यह इम्प्रिंट पड़ गए, ये आपके ब्रेन पे कर्म के, जो कर्म आपने कर दिया उसका इम्प्रिंट पड़ गया, यहां पड़ गया, यहां पड़ गया, यहां पड़ गया, यहां से वेव्स जा रहे हैं, ब्रेन लाइब्रेरी में रखे बैठा है। क्या होता है, एक लड़की है, उसकी शादी होनी है, बचपन में छोटी उम्र से उसने लड़कों से मिली, बातचीत की, ये छोटी बच्ची थी, पहले 10 साल की थी, इसको मम्मी ने कह दिया गंदी बात, लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इसके ब्रेन में इम्प्रिंट हो गया, लड़के खराब होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। फिर इसने किसी लड़के को देखा, अच्छा लगा, थोड़ा सा बात खुली, 17-18 साल हो गए, प्रेम सा हो गया, वन साइडेड हो गया, अब उसको वैसा लड़का अच्छा लगा। तो क्या हुआ, इसको PNAZ ऐसा कोई पैटर्न हुआ जिस पैटर्न के लड़का अच्छा लगा। ये इसलिए कि इसके बाकी जितने A to Z के हैं वो उस टाइप के लड़के सारे बुरे लगे। जैसे आम चालू भाषा में ये वो लड़के हैं, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, इधर उधर नहीं देखते, घोड़े का कान लगा रखे हैं, सामने देखते हैं, कुछ नहीं करते, जहां ले जाओ वहीं चल जाते हैं, ना हिन हिन करते, दुलत्ती मारते, बेटा ऐसे लड़के अच्छे होते हैं बस। तो ये ऐसे लड़के के लिए कहते हैं ये अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा, क्योंकि ब्रेन वैसा ट्रेंड है, पैटर्न बन गया है। बाकी कैसा भी कोई लड़का है, जरा ऐसी फालतू बात करी, कॉलर है, कहती हो गंदा गंदा बुरा बुरा। ऐसे में ऐसी लड़की के साथ उलट कब होगा और सेम कब होगा, जैसे मतलब उसकी वाइब्रेशन तो PNAZ वाली है, अभी करते हैं ना बात। एक चीज और बता दो, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है माइंड का, तो जो 10 साल वाले थॉट्स हैं उसको गायब नहीं कर सकते, रीअरेंज करके उसको खत्म कर दिया। इन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का बोला, अभी मैं इसकी एक्सरसाइज बताया था। अब इसको ये वाला लगा, अभी एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये लड़की महासुंदर होती है, बड़ी प्यारी होती है, अब धीरे 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 22-23 साल की लड़की, 5 साल बीत गए, शादी नहीं हो रही, ये उस तरह से है भाई, नौकरी नहीं मिल रही, क्यों भाई हर जगह नौकरी तुम्हें क्यों नहीं मिल रही, भाई छोकरी नहीं मिल रही, भाई छोकरा नहीं मिल रहा, अबे क्यों नहीं मिल रहा, हर जगह तो सारी दुनिया में लड़के हैं, लड़की तुम्हें क्यों नहीं मिल रही, इसे लड़का नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, कुछ तो लोचा है ना, कुछ तो पंगा है, ये सारे लड़कों के साथ वाइब्रेशन नेगेटिव करे बैठी है, इनसे तो मैं करूंगी नहीं, वो खुद छोड़ दिए। और ये वाले हैं, ये मिलते हैं, ये इससे खौफ खा जाते हैं, सिर सवार हो जाए, कुछ इससे नहीं शादी करते, कुछ से ये शादी नहीं करती, सेट नहीं हो रही, बड़ी अजीब स्थिति है। तो ये कवारी रह जाती है 5-7 साल और, फिर ये रोती है, पिटती है, फिर कहती है मरने दो भाल में जाए, फिर इसे एक मिल जाता है जो दारू के साथ सिगरेट पीता हुए जिंदगी काटता है, फिर उससे शादी करनी पड़ती है उसे, फिर सारी जिंदगी रोती रहती है, हाय हाय हाय। अब बात आई है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, के यार ब्रेन के अंदर, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है ब्रेन को रीअरेंज करना, दोबारा से ब्रेन को चेंज करना। इसके लिए एक्सरसाइज है, बड़ी मजेदार। आप याद रखें मांगेराम, जिसने 6 महीने की घमंड खाया था, साला 2 लाख की तनख्वाह है, कमा लेंगे, 6 महीने तो घर बैठ के खा लूंगा मैं, ऐसी की तैसी इस बॉस की, भाई प्रोफेशनल है, अपने को नई जॉब मिलेगी, 6 साल हो गए जॉब नहीं लग रही, क्या करेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन उस पैटर्न पे चला गया है, फिर PNAZ का ही लोचा है, बाकी साले भाग जाते, शादी नहीं हो रही, 10 साल हो गए यार, पेपर पास नहीं हो रहा मेरा, यार ब्रेन की सेटिंग है। आपने क्या करना है, मांगेराम बेटा बैठ जाओ, महाराज आंखें बंद करो, लंबा सांस लो, पेट बाहर सांस बाहर, पेट अंदर, चलो सोचो एक दिन तुमने बॉस के सामने खड़े होके कौन सा ब्रेन का इम्प्रिंट ऑन किया था, वो कर्म, वो मेमोरी ब्रेन की इम्प्रिंट हो चुकी है बॉडी में, वो पैटर्न बन चुका है, आपके कर्मा क्लीन करने की जरूरत है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका कॉस्मोस, आपका हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, रेडिएशन सिग्नल फेंक रहा है अंतरिक्ष में, तो जब जब आप ये मैं कर देते हो आपकी नौकरी छूट जाती है, फिर 6 महीने में 25,000 की मिलती है, आप फिर करते नहीं, फिर छूट जाती है, साला 6 साल हो गए जॉब नहीं लगी, तो कर्मा क्लीन करना है 6 साल पुराना, कैसे होगा, बैठ जाओ आंखें बंद करो, आप सब करेंगे अपने अपने विचार में जब बैठे घर बैठ के आराम से करना, कि पेपर पास नहीं हो रहा किसी का, 4 अटेम्प्ट कर दिए, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, जब घर जाओ पति लड़ता है, पैसे के काम करो साले, कर्जे खत्म नहीं होते हैं, आराम से बैठिए यार, 6 साल पहले ना मोटा मोटा अंदाजा काफी चलेगा, मैंने बॉस के सामने बोला था घमंड, बड़े घमंड से बोला था यार, मैं बोला था, मैं मूलाधार पे, फिर उसके बाद नीचे के पशु चक्र पे जाके मर गया, मुझे जॉब नहीं मिली और मैं अभी तक भूखा नंगा रो रहा हूं, मैं यार उस समय से क्षमा मांगता हूं यार। ऐसे कल्पना कीजिए, मैं बैठा हुआ बकबक कर रहा हूं और मैंने कलेश मचाया जॉब पे,
अब मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ और उस परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड कद्र से भरता हूँ, प्रेम से भरता हूँ। वो बैठेगा, विचार करेगा, मैं समय स्वयं से माफी मांगता हूँ, उस समय से माफी मांगता हूँ और परमात्मा तेरे प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता से भरता हूँ कि तूने मुझे इतने साल तक भी टाइम कटवाया। हे तुरीय, हे चतुर्थ, हे परमात्मा, तू मुझे अंदर नहीं लाने दिया, तूने मुझे, मैं आज से अंदर आता हूँ और बाहर की ढूंढ मेरी मूर्खता, इसे समाप्त करता हूँ। आपका वहां से न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू होगी। पास्ट में जा करके आपने ब्रेन चेंज किया, दोस्त को पैसे दिए, बेकार दिए, क्यों दिए? ना ना ना, बेकार नहीं, क्यों नहीं, बस उस समय पैसे दिए, क्या मूर्खता की थी यार, मूर्खता भी नहीं की थी, अरे होना था यार, बुद्धि ऐसी थी। अब वो पैसे नहीं दे रहा है, चलो यार, हे परमात्मा, मैं खुद से क्षमा मांगता हूँ, मैं उस दोस्त से भी क्षमा मांगता हूँ, उस दोस्त को भी क्षमा करता हूँ, मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ, उस हालात से भी अपने आप से क्षमा मांगता हूँ और कोई राग द्वेष अहंकार नीचे के षड विकार में नहीं रखता हूँ मन में, अपने मन में ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है, परमात्मा तेरी कृपा है, उसके पास पैसे गए फिर भी तूने कमी नहीं छोड़ी, और मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ उस विचार, उस थॉट, उस भावना से। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रियल और इमेजिनेशन को नहीं पहचानता, वो सोचेगा ये भी रियल ही है। आपने जिस खून को दिमाग से कर दिया वो भी कर्मा ही है। एक बहुत बड़ा वैद्य था, उसने दवाइयां दी, दूर दूर देश से लोग आते हैं, राजा वाजा सब पहुंचते हैं और बस वो वैद्यराज ने दे दी जो दवाई, भाई साहब कांटा है, अंदर जाके निकाल के साफ कर देता बीमारी को। बेटा सफल बाप, सफल बाप के नालायक बेटे, जायज प्रॉब्लम है, संघर्ष कर ही रहा बाप इतना, बाप को करने के बाद बेटे को जरूरत क्या, जरूरत करवाती है हमेशा, मंथन मंथन नहीं हुआ, बेटा नलायक नलायक नलायक, बेटा सीख ले कुछ, सीख ले बाप से, पिताजी सीख लूंगा ना, आपके राज में ऐश न करूं, कैसी बातें करते। बाप परेशान, मरने का समय आ गया। मुझसे किसी ने पूछा, आपकी बहुत क्लासेस देख ली, अभी करेंगे इस कहानी को पूरी वैद्यराज की, आपकी इतनी क्लासेस देख ली, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत, वैसे सब कुछ एक ही जैसा बोलते हैं हर क्लास में आप, तो मैं समझ आया, बहुत अच्छा बोला आपने, हमें बड़ा ज्ञान हुआ, आप तो बहुत अच्छा लगता है, कोई मंत्र दे दें। मैंने कहा यार ये बंदा ना आप क्लास सुन सुन के गया थक। ये कहता है यार कौन माथा मारे साले, दो दो घंटे बकवास, फिर जगलिंग होती है ब्रेन की, फिर यार और भी तो काम है दुनिया के, एक मंत्र दे दे यार, तो सारी क्लासे अपने आप बूंद टपक के अंदर आ जाएंगी, साले दफा करवा की बातें। तो मैंने कहा भाई मैं मंत्र फंत्र तो जानू ना, और मैं क्या करूं, क्या बताऊ, नहीं नहीं दया करो। मैंने कहा ठीक है, आज से आपको मंत्र जाप करना है, मेरे साथ साथ करें, गबल गबल भाई, झमल झमल और फुदक फुदक। उसने मुझे बेवकूफ करार दे ही दिया, मन में दिया, बोलने की तो उस समय हिम्मत नहीं होती, तो बोले ये तो फालतू की बात नहीं लग रही मुझे। मैंने कहा तो कौन सा मंत्र दूं, सबने दे तो रखे हैं, राधे वाले राधे कर रहे, कृष्ण वाले कृष्ण कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा वाला करो ना, मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया करो, और फुदक 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 के करना है, गबल झबल तो ठीक है, फुदक फुदक के करना है। बोले जी तो बड़ी बेशर्मी का सनी है। मैंने कहा बाथरूम में रहे 6 घंटे, बाथरूम में रहे, वहां करेंगे, शर्म आ रही, शर्म त्याग दो, किन चक्रों में मरे पड़े हो, दफा करो, साला इंटेंशन चाहिए। जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना, और कैसा जन्म जीवन चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी जहां मैं रह रहा हूं, मेरा इलाका बन गया, मैं शब्द आया, जहां हम रह रहे हैं, हम शब्द से रिप्लेस करें मैं को, जब रह रहे हैं तो वहां रहते हैं, मैं अधिकतर मैं ऐसे एक समुदाय के बीच में हूं, मैंने देखा कि भाई राधे कृष्ण और इस्कॉन से जुड़े हुए बहुत लोग हैं। अब वहां धीरे धीरे मैं तो छुपे छुपे रहते हैं, अब तो भाई कपड़े लगते अपने वो चौके वाले बाबू वाले हैं नहीं, क्योंकि जो जीवन में पैसे की पिटाई से, पत्नी की गृहस्थ की पिटाई से थक गया, वो भगवे वस्त्र धारण कर लेता, फिर वो कुछ नया खोज रहा है, वो खोज रहा है भगवे वस्त्र की पूजा हो जाए, मेरी धोती कुर्ते की पूजा हो जाए, मैंने टीका चंदन लगाया इसकी पूजा, कुछ खोज रहे हैं, अब यार यहां सम्मान मिल जाए, तो वो खोज रहे हैं। अब अपनी तो खोज खोज का क्या करें, हम तो कह रहे भाई खोजा खुजाया, खुदा ही मिला अंदर, कहीं जाना क्या करना है, तो अक्सर पता चलता नहीं उन्हें ऐसे देखा लंपट घूम रहा कोई, फिर थोड़े दिनों में पता लगने लग गया, यार ये वो तो नहीं कहीं है, वो तो नहीं। अच्छा फिर फैल जाती है, वो कहते हैं ना खुशबू आई जाती है, फिर किसी ने पूछ लिया, किसी ने कुछ, मैंने काफी झूठ बोला लेकिन पकड़ा गया। अब वो जितने थे वो हमेशा बोला करते थे कि राधे कृष्ण और कैसे चल रहे, बस प्रताप जी परमात्मा की बड़ी दया, प्रभु जी बहुत बड़ा, ईश्वर माता जी फलाना, सारे टाइम खुश है,
1% भी दुखी नहीं है, हर समय यही भजन है, लाजवाब जिंदगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब उनको पता चला उसके बाद जो कलेजा फाड़ के रोए हैं, हम दुखी हो गए, हमें बचाओ। मैंने कहा यार तुम इतने नौटंकी करते हो, ये राधे राधे, कुड़ी फसादे हो चुका है, राधे 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 राधे, हे कृष्ण हे कृष्ण, और सारे टाइम मुंह से बोलते हो बढ़िया बढ़िया, क्या छुपाते हो? आप अंदर से पीड़ित होंगे तो आप उसका झूठ ही बोलेंगे। और कैसी चल रही लाइफ? अपने से कोई पूछता ना, मेरे से पूछते नहीं जानकार कि मम्मी कैसी है, मैं कहता हूँ भाई पेपर पेन लाओ, बीमारियां गिनाओ, तब बताऊं मैं कैसी है, जिंदा है। अब पहले तो जो नए है वो कहते हैं ये वाकई बावला है, पूरी जूही चावला है, कहते हैं कोई सिर नहीं पहले, जब बोलो कैसी है मम्मी, कहते जिंदा है। मैं कहता हूँ फिर पेपर पेन लाओ, लिखो उनको ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये इलाज, ये फलाना ढिमकाना, क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, झूठ बोलूं? बोलने को कुछ है ही नहीं, वो जिंदा है, बहुत है, अपना जीवन जी रही है, आशीर्वाद बनाए बैठी है, मेरे लिए काफी है। मुझसे पूछ रहे हो और कैसे आप, मैं कहता हूँ जिंदा है, क्या बोलूं और? अच्छा पूरी रामायण सुनिए, लाओ पेपर पेन लिस्ट लिखो, एक एक व्यक्ति दिल फाड़ के कहेगा अंदर क्या क्या लोचे जिंदगी के। मुन्ना बहुत कुछ चाहता है, उसकी चाहते खोज खत्म कहां होती है, पर बोले क्या फटे बांस की तरह, राधे राधे सब बढ़िया। अबे तुम राधे राधे डर के कर रहे हो, सारे टाइम भगवान का नाम जप रहे हो और रो पिट के कर रहे हो, वासनाएं भरी पड़ी है, अब तुम्हें स्वर्ग की वासना है, अब तुम स्वर्ग खोज रहे हो। संसारी व्यक्ति मोक्ष खोजने बैठ जाता है, उसकी सर्चिंग नहीं चल रही है। अब अंदर बैठा है वो भाई, किधर बाहर ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? बहुत सालों के बाद बुढ़ापे पहुंचने पर पता लगता है जो ढूंढ रहा था वही खुदा है। फिर कहते हैं यार समय गंवा डाला, इसलिए गुरु चाहिए। वो गुरु आपके चक्र उठा देता है, आपको वहां पहुंचा देता है, ये इम्प्रिंट धो देता है, कर्म क्लीनिंग हो जाती। तो वैद्यराज ने क्या किया, बेटा बेटे के पास बोले, बेटा तुम मरने वाला हो तो कुछ तो कर। बोले पिताजी बड़ी गलती हो गई, बड़ा समय गंवा दिया, पर आपकी इतनी बनी बनाई है, मैं पिताजी एक बंदा नहीं बचा सकता मैं। बोले बेटा तू मेरी गद्दी में बैठ जाएगा ना, उसमें ऑलरेडी इतनी तगड़ी ऑरा है कि तेरा काम ना रुकेगा। बोले पिताजी मैं दूंगा क्या, करूंगा क्या, दवाइयां ही समझ में तो, नाम नहीं पता, रंग नहीं पता, शब्द नहीं बोल सकता। बोले बेटा मौनी बाबा बन जाना, बोला गद्दी पे नहीं बोलता मैं, दवाई ववाई कुछ ना पूछो, बस लेनी है लो, नहीं तो दफा हो जाओ। तो कहेंगे ओ। बोले बेटा डरा के रखो, पहले आए हुए आदमी को नीचे के चक्कर पे डालो, फिर पहले तुम्हें विश्वास होना चाहिए तुम जो दोगे वो काम करेगा। तुम्हारे ब्रेन के इम्प्रिंट्स, कर्मा की मेमोरी में, हार्ट के इम्प्रिंट्स पे ये होना चाहिए, ये काम करेगा। इंटेंशन कहते हैं इसको, कि ये काम करेगा। जब वो नीचे के चक्र पे होगा तो वो तुम पे विश्वास करेगा कि हाँ करेगा, अब दवाई काम करेगी। सबको बेटे हर डे पीस के दे देना, कोई भी बीमारी हो बोलना ये तेरे को ऐसे लेनी है, ये वैसे लेनी है, देनी हर डे पीस के, क्योंकि और तो तुझे अकल नहीं, कम से कम पेट तो साफ करेगा लोग। और ठीक कौन करेगा? वो परम चैतन्य जो विश्वास देता है। तुरीय कैसे कार्य करता है? तुरीय अंदर हमारे विश्वास है, विश्वास कौन करता है? अब ये बात हुई, प्रेम कौन कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन है जो विश्वास कर रहा है? आप सब गारंटीड और बुरी तरह जानते हो, बुखार हो गया है, क्रोसिन खा ठीक होगा, आप क्रोसिन खाते हो बुखार डाउन है। हैरानी की बात है, क्रोसिन चमत्कारी ड्रग है, क्योंकि सारी दुनिया बिलीव करती है क्रोसिन खाओ, पैरासिटामोल खाओ, भाई साहब बुखार डाउन होगा, होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी कुछ नहीं होगा, आने वाले बच्चे के सेफ, वो सेफ है। आपकी मेड जो खाती है आपके देने पे, वो आप पे विश्वास करती है, इसलिए करती है। ये हर डे पीस के तो मैं भी देता हूँ सबको, हमारा तो काम है ये, मैं ये तो हमारा काम है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है कि आपके विश्वास का खेल है, आप में विश्वास, ये विश्वास कौन कर रहा है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ये विश्वास कर रही है, क्रोसिन काम करेगी, पैरासिटामोल काम करेगी। अब हो गया कैंसर, साला इस पे विश्वास नहीं होता यार, दवाई से ठीक हो, क्योंकि डरे और डराए हुए नीचे बैठे, ब्रेन पे कर्मा के, माइंड के, हार्ट के इम्प्रिंट्स क्या है, कैंसर एक और कैंसर, क्या होगा, मर जाओगे। मकान बनना है, दो कमरे का मकान है, 1 करोड़ का है, 3 का लेंगे 1.5 करोड़, कैसे आएंगे पैसे, अब नहीं आएंगे। आपके अंदर अट्टू विश्वास होना चाहिए, अरे वो दाता देगा। अब लोग विश्वास क्यों नहीं करते वो दाता देगा? क्योंकि वो दाता को बाहर ढूंढ रहे हैं। नौकरी कौन देगा? बेटा पढ़ो लिखो ना, दाता देगा। बड़ी कमाल की बात, ये पता नहीं कहां से डिजाइन हो गया, बिना पढ़े लिखे पास हुए गारंटी से। कितने बच्चे उनको हर डे पीस के देता हूं, सारे ठीक हो जाते हैं, सब पास हो जाते हैं। कौन कर रहा है?
परमात्मा कर रहा है। सर ये तुरिया काम आपके विश्वास के बेसिस पे ही करता है बस? ये कह रहे तुरिया काम क्या आपके विश्वास के बेस पर ही करता है? ये तुरिया काम करता है नहीं करता है, ये शब्द व्यर्थ है। ये परमात्मा है, ये कुछ नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता है, इसे कोई लेना देना नहीं। जितने बच्चों से बात होती है, ऐसे विदेशों में सेंटर बना रखे हैं, इंडिया में तो कम है, बाहर तो बहुत है, घरों में बना रखे हैं मेडिटेशन रूम्स, बहुत होता है। क्या होता है? यहां मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। अब किसका ध्यान करोगे? आपको तुरिया के पास जाना है, अंदर जाना है, आपको शांति के पास जाना है। शांति किधर? अंदर है। प्रेम किधर है? अंदर है। कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? मिला ही हुआ है। क्या करो? ध्यान में जाओ। आपके जीवन की कोई समस्या है जब खुद से पूरी नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है दूसरे से होगी? बच्चा है घर में बैठा है, मम्मा मेरा टॉय टूट गया। बेटा पापा आएंगे करेंगे, मिस्त्री आएगा उससे करवाएंगे। तो मिस्त्री आता है फिर घर, वो कर देता है। जो कराने वाली उसे तो खैर पता ही है, कर ही देगा, साला कैसे नहीं करेगा। और बच्चों को विश्वास है, बाप कर लेता है। ये स्त्रियां स्वतः जानती हैं कि बेटा है ना, इसे पेचकस प्लास दे दो, ये प्लग को जोड़ तोड़ के कर देगा। लड़के कर लेते हैं जी, जन्म से ही कर लेते हैं, वाकई कर लेगा। ये विश्वास है, पता नहीं कैसा, ये प्राकृतिक है। ये जो जानकारी है वो कौन जानता है? ये अंदर कोई जानता है। आपके समस्या पूरी नहीं हो रही, पापा करेंगे। भारी वजन की चीज है, मम्मी अपने जवान बेटे को बुलाती है, बेटा ये तू उठा दे, मुझसे नहीं उठेगा, बेटा उठा देता है। सर वो आप पे हेल्पर वर्ड बहुत काम है। हाँ जी, हेल्पर वर्ड जैसे मैंने यूज करना हाँ। शुरू किया ना, बच्चों को क्या होता है, खड़े हो क्या? ये वो माँ है जिसने बच्चे भी पटा रखे हैं नौकर की तरह, पति के बाद बच्चों का नंबर। आप भी लेते हेल्प जैसे बोलती ना तो काम करने लग जाते। चलाक माँ आपने सिखाया, चलाक पत्नी से चलाक माँ का रूपांतरण। ध्यान से देखिए इस महिला को। चलो जी मेहरबानी, कृपा है जी। तो क्या बैठा? जो आपसे नहीं उठ रहा वो आपसे ज्यादा कोई उठाने वाला है उठाएगा। जो समस्या आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही वो कौन पूरी करेगा? वो परमपिता कर सकता है। और वो परमपिता अंदर बैठा है। तो आपको बर्तन, मम्मी को जब बर्तन उठाना है सिंक में से, तो खुद उठा कुछ नहीं करती, रुक जाती है। बेटा उठा देता है, पति उठा लेता है। आपको क्या करना है? आपका भी कोई परमपिता है, वो करेगा। कब करेगा? जब आप कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करना बड़ा भारी काम है। छोटा बच्चा परमात्मा दिखता है उस बच्चे में, हमेशा खुश शांत। कुट्टी अब्बा, थप्पड़ खा के गले लगना, लोग रोते हैं बचपन के लिए, प्रेम मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के सबसे करीब है, उसका तुरीय बहुत नजदीक है, बड़ी जल्दी सोता है, बड़ी प्यारी मीठी नींद सोता है। उस बच्चे को अपना गुरु बनाइए, बच्चों जैसे हो जाइए। छोटे बच्चे के पास बड़ा प्रेम, बड़ी ऊर्जा, बड़ी क्षमा होती है, और वो छोड़ देता है, कोई करेगा। हमें भी छोटे बच्चा बन के छोड़ना सीखना पड़ेगा। लड़ना बंद, आज से करना बंद। दिन रात करने के प्रयास में हम बाहर जा रहे हैं, अंतर यात्रा पर जाना है। अंतर यात्रा में ईश्वर करेगा। जो मुझसे नफरत करता है उसका भाग, जो मुझे प्रेम नहीं देता उसकी इच्छा। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना करना है। तो बच्चे जो है वो कुछ नहीं बहुत देर करते हैं, पड़े रहते हैं। बच्चे बैठे हैं, मम्मी पापा कहते हैं कुछ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तू, खाली बैठा है, तेरे कैसे टाइम कटता है तेरा। उसके पैर पकड़ो, उसे कुछ नहीं करना आता है, उसके आशीर्वाद पे छोड़ दो, आपका काम नहीं हो रहा। हे ईश्वर, मेरे मन में हमेशा क्लेश रहता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं पर सारे टाइम पढ़ा रहता है। अभी अभी समझ आए ये तुरिये के पास है, ये अब चौथी डायमेंशन में इजीली जाता है। हे ईश्वर, इसको पास होना लिखा होगा तो करा दियो, मैं बीच में झकझक झकझक करके तंग करती हूं या करता हूं, फेल करा दूंगी या करा दूंगा, मुझे पता है। वो बच्चा बिना पढ़े लिखे पास हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई लिखाई अमीर बन जाते हैं लोग, कचर पट्टी खाने वाले ठीक हो जाते हैं। बहुत विचित्र स्थिति होती है। मोना को सारे टाइम टेंशन है, सिगरेट पीता है, मांगेराम ये क्या सोचती है सिगरेट के बारे में? जहर है। ये क्या सोचता है? शिव जी का प्रसाद है। इसका विश्वास क्या कहता है? प्रसाद है, जाम है लाइफ का ये। और ये कहती है मरेगा, ये मरेगा, मौत होगी इसको, कमी नहीं हो, कैंसर से मरेगा, साला सड़ सड़ के मरेगा, कीड़े पड़ेंगे, कैंसर कीड़े सड़ सड़ के। और इसको कहते क्या होगा? अब बाहुबली बनते हैं हम, पार्ट वन पार्ट टू इकट्ठा। अरे ताकत की कोई कमी नहीं है अपने अंदर भाई, तेरा भाई सुट्टा मारा सही टशन में, जी रहा हूं। इसका क्या मैसेज जा रहा है कॉस्मोस में? हृदय पर क्या इम्प्रिंट्स है, इसके क्या इम्प्रिंट्स है? ये मर जाएगी लंग कैंसर से, इसे कुछ ना होगा। लोग हैरान होते हैं यार, इसको शराब पी के सुट्टा मार के सारे कुछ ना होता, इसे कुछ ना करते थे इसे हो गया। कई ऐसे सूफी बालक है शराब नहीं पीते, लिवर उड़ जाते हैं।
छोटे छोटे बच्चे की मम्मी खराब कर देती है टेंशन डाल डाल के, डरा डरा के। तुरी परमात्मा वो लीला खेल लीला कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो कहता है तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें साबुन की बट्टी दे दी है, तुम इससे कपड़े धो रहे हो, अपना बदन धो रहे हो या नाली में फेंक रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए परमात्मा सुनता नहीं है। परमात्मा क्यों सुनेगा? क्योंकि बाहर की वाणी सुनने की शक्ति तो उसी के पास है, वही तो अंदर बैठा सुन रहा है, देख रहा है, करवा रहा है, जो हो रहा है मंथन है। दो चार बार फेल हो गए, घबराओ मत, पेपर पास नहीं हुए, मकान नहीं बना, घबराओ मत। अर्जुन 18 दिन युद्ध किया तब कहीं महाभारत जीत सका, जो डर गया सो मर गया। आपके जीवन की मानसिकता, इसका विश्वास अलग है, कर्म ही नहीं किया इसने, बॉडी से कर्म नहीं किया, विश्वास अलग है, इसकी बॉडी ने कर्म भी किया विश्वास अलग है, कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप अमीर बन सकते हो, गरीब बन सकते हो, आपको आप ही की सोच की सजा मिलती, हमने बुरे कर्म नहीं किए, हमें ईश्वर ने सजा क्यों दी? क्योंकि आप बाहर का ईश्वर बनाए बैठे, वो अंदर बैठा है। बाहर की ढूंढ ढूंढ के चक्कर में मत रहो। छोटा बच्चा अंदर रहता है पास, उसका पहला काम है सोना, इसीलिए सोने को सोना कहते हैं। 5 लाख रुपए तोले के हिसाब से चल रहा है आजकल गोल्ड, दैट इज गोल्ड। 4,80,000 रखा मुझे पता है, मैंने राउंड फिगर किया था। सोना, ये सोना क्या है? ये है ध्यान, ये सहज जाता है। संत क्या करता है? संत ये जानता है कि मेरा ध्यान किधर है, मैं इस पे ध्यान रखता हूं। अक्सर हम कहां होते हैं? हम मामा जी के घर होते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में होते हैं, मेरा बच्चा ये कर रहा, बहन ये कर रही, बीबी ने वो नहीं किया, बाहर बाहर बाहर, तुरी अंदर, ध्यान, मेरा ध्यान किधर है? ध्यान कौन है? स्वयं, स्वयं से मिलने कहां जाना है? कहीं नहीं जाना। बच्चा किससे मिलने जाता है? स्वयं से मिलता है, उसे मैं बहुत अच्छा लगता है, कौन सा है मैं? तुरी है। वो परम तत्व जो अंदर बैठा है वो क्या खोज रहा है? कुछ नहीं खोज रहा। हम बच्चों को पीट पीट के सिखाते हैं, साले खोज, पापा क्या खोजूं? मकान बना साले, बड़ी बिल्डिंग बना, तू खाना खा, तू पी, तू ये कर, तू वो, पापा मुझे इच्छा नहीं है, कैसे नहीं खाएगा साले, चॉकलेट खा रहा है, गंदी चीजें खा रहा है, वो उम्र है, इसे पालक खिलाओ, वो कहता है बड़े होकर तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। वो वाकई वो नफरत करता है, उसके हृदय में ब्रेन पे इम्प्रिंट्स हैं, वो डीएनए में जा रहे हैं, वो तुरिये के पास रिकॉर्ड हो रहा है, हार्ट की वेवलेंथ जा रही है, और बड़े होके वो 40 साल की एज में बाप को क्यों मारेगा? बाप को खुद समझ नहीं आएगा, क्योंकि बचपन में कमांड निकली है, फिर कहते हैं हमने तो बच्चे से पुण्य किया, अच्छा किया, ये क्यों मार रहा है? आपने उससे कमांड दिलवाई है अपने अंदर, वो पूरी हो रही है। ऐसे ही नहीं सुख दुख देता हमें कोई भाई बहन पति पत्नी, किसी को कोसना, किसी के लिए बाहर जाना बंद कर दो, कृपा की ओर जाना शुरू करो, प्रयास करेंगे छोड़ दो, मैं शब्द को छोड़ दो, मजा आ रहा है छोड़ दो। आपको जो व्यक्ति मजा दे रहा है मुन्ना टू मुन्ना कनेक्शन है, जो सुख दे रहा है वो तुरी है, आनंद है, वो कोई किसी को नहीं दे सकता, वो अंदर है ही, हमें मिला ही हुआ है, हम क्या ढूंढ रहे हैं? खोज रहे हैं, पूरा जन्म बीत जाएगा खोजने को, क्या खोज रहे हो? गोद में आके गिरता है, बस वहां जाके शांत बैठना सीखो, बच्चा सीखता है, संत ये जानता है। अगर आपसे ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान लगाओ, कुछ करो, करना है करना है, ध्यान लगाने का मतलब है कुछ नहीं करना है। जब सब खोजना बंद कर दोगे, आप उस चौथे की शरण में हो, आप ही वो चौथा हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही ज्ञान हो, आप ही साक्षी हो, आप ही वो परम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो। खोजना बंद कर, सौंदर्य खोज रहे हैं लोग, प्रेम खोज रहे हैं, आपके अंदर होना चाहिए, जो आपके अंदर होगा वो मिलेगा। इस व्यक्ति को अपने जीवन में जो चाहिए, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बहुत सी चीजें कर चुके हैं, इस व्यक्ति को बाहर से चिज्जी के रूप में जो चाहिए वो इसलिए चाहिए कि इसके अंदर यहाँ खाली है। इसको पैसे क्यों चाहिए? ऐसे लोग हैं मेरे पास जो कहते हैं 2 लाख रुपए महीने का खर्चा, जी खर्चे में निकल जाता, हम तो कंगले हैं, 2 लाख का खर्चा है उसके लिए कृपा नहीं है, लेकिन कंगले हैं, और वो सारी जिंदगी कंगले रहते हैं। अंदर क्या भजन चल रहा है? अजब अजब अंदर क्या चल रहा है? खाली है, पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है। कौन सा पैसा नहीं है? जो इनके स्वप्न में है। स्वप्न क्या है? ड्रीमिंग स्टेज, बीच की स्टेज, तुरिये से दूर है, डीप स्लीप में नहीं है, सपनों में, वो है नहीं, है नहीं, है नहीं। या ग्रेटिट्यूड डालो, थैंकफुलनेस डालो, ठीक है यार बहुत है, बहुत दे रहा ईश्वर, बढ़ जाएगा। कैसे बोल दे ऐसे, हम कैसे मान ले हमारे पास है नहीं? मानो, मानते हो आप इस बात को, पैरासिटामोल बुखार ठीक करेगी, करती है। आप मानो आशीर्वाद, कोई कैंसर ठीक करेगा, कैंसर ठीक होगा। मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान। कोई बात नहीं, मैं जो करूंगा जानबूझ के करूंगा। स्वप्न अवस्था में हो आप, आपके जीवन में यहां पैसा ऑलरेडी होना चाहिए। चिज्जी दौड़ के आएगी, अट्रैक्ट, चिज्जी के चक्र नीचे के हैं, ये चिज्जी के चक्र है, ये दोनों चिज्जी के चक्र है, ये ग्रेविटी है, ये चुंबक है,
जिस चीज से आप अंदर संतुष्ट है वो आपके पास है, जो है उसे अट्रैक्ट कर लेगा। आप अगर कहोगे नहीं है तो वो है ही नहीं, वो अट्रैक्ट कैसे होगी बाहर से? इसलिए हर समय कहो है। ओके, ड्रिल मशीन की जो बात थी वो आप वेलकम कर रहे हो, बाहर से कनेक्शन ले रहे हो, वो एक एक्सरसाइज है। ये आपका सोच मात्र है कि है यार। वैसे फ्रेंकली बात सोचिए, आप जिन चीजों के लिए रोना रापा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाली बैठना नहीं आता, तो सोचते हैं कुछ हो पिटी ले। ये सच्चाई है। मुन्ना को हरकत चाहिए, मुन्ना को हरकत चाहिए। बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठे गाना गा ले अंदर मन में, कुछ तो करें यार भाई, टाइम वेस्ट कर रहा, कुछ तो करें यार, खाली बैठे कैसे चलेगा? सीरियल देख रहे, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना करो। जिस दिन वो स्त्री जान जाएगी कि सीरियल देखे बिना भी मैं शांत हूं, उस दिन समझो स्वर्ग आ गया, राधा मिल गई। क्योंकि शांत होने की बात ही नहीं हो रही, आप व्यस्त हैं, आप शांत नहीं है, आप व्यस्त हैं। लोग कहते हैं ऐसे, जी दो घंटे आपकी क्लास सुनी, बढ़िया से सो के गए, यहां से घर जाके फिर टेंशन हो गई। क्योंकि दो घंटे आप इस समय जज्ब नहीं करेंगे बात, आप उस समय व्यस्त हैं। दिमाग पहले कुछ और कर रहा था, थोड़ी देर बाद कुछ और व्यस्त कर लिया, फिर वापस वहीं आ गया। जब आप उसको स्लो डाउन कर जाएंगे, बिल्कुल शांत कर देंगे, फिर ना नाचेगा, फिर मुन्ना कहेगा ठीक है यार अब ये फंसता ही नहीं है, शांत बैठते हैं। क्योंकि वो मत गया, मुन्ना वही है, उसमें से गुरु निकल गया, उसे मत मत के आपने गुरु बना डाला, शांत चित्त जान डाला, आपने कूदना बंद कर दिया। कुछ नहीं करना बहुत बड़ी कला है, बच्चे कुछ नहीं करते हैं। मेडिटेशन का, ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना। लोग बैठ जाते हैं माला ली, घबड़े 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 घबड़े, फिर कुछ कर रहे हो, कुछ और खोज रहे हो। अभी अशांति से भाग के शांति खोज रहे थे, अब नया स्यापा डाल। अब लोग उठा सकते हैं, इसमें क्या मंत्र की शक्ति नहीं होती? वो एक अलग टॉपिक है, मंत्र शक्ति होती है। क्या ये कहना उचित नहीं होगा? हर शब्द की शक्ति होती है, उस शब्द का रिपीटेशन अजपा जप मंत्र बन जाता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब तक चक्की चलती रहेगी मंथन होता रहेगा, मंथन से ही रस निकलता है। जूस पीते हम, मंथन से निकलता है। गेहूं का आटा मंथन से बनता है, माखन मंथन से बनेगा। जीवन जितना आपको तोड़ रहा है वो बोध और बुद्धि और अहंकार की लड़ाई है। जिस दिन बोध आ गया आपका गुरु ऑन हो जाएगा। अपने गुरु के द्वारा आपको साक्षी भाव का ज्ञान स्वतः होगा, और ज्ञान हो यही तुरी है, यही चतुर्थ है, यही आपका चौथा है। मरने पे आपका चौथा यही होता है, उसे जीने पे जान डालो। इसे जागृत होना कहते हैं, अवेकनिंग, कि अरे हम जान गए। कौन जानता है ये जान गए? हम ही हैं। खुद ही को जान गए, खुद को जान गए, खुद को जान गए, खुद ही, खुदा, खुद आ, खुद में आ, इनवर्ड्स, अंदर आ जा, ऊर्जा को इधर खींच डाल, हीलिंग ऑन। आपकी हीलिंग कैसे ऑन है? जब आप अंदर से हील्ड हैं। अंदर से हील्ड कैसे है? नहीं मन मानता, मन का काम है ना मानना, परमात्मा साथ है, परमात्मा अंदर बैठा है, वो करेगा। नहीं उठता ये बाल्टी हमसे, परमात्मा उठाएगा, परमात्मा किसी भी रूप में आके उठाएगा, क्यों टेंशन? तो कर्म ना करें। 18 दिन का युद्ध लड़ा था अर्जुन ने, युद्ध ना छोड़ना, गांडी व्रत ना देना, हर समय युद्ध के लिए तत्पर रहना, कृष्ण के अंतर्गत, कृष्ण के अंडर, कृष्ण के सारथी होने पे। सारथी ले जाएगा, जहां ले जाएगा, गाड़ी हमें क्या ले जानी? किसी बच्चे का अनसक्सेसफुल अफेयर हो गया, आए 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 आए, कई बार आए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। गुरु जी थी वो, पहली गुरु जी थी, तुझे प्यार नहीं करना था, तुझे सिखा रही है। बच्चे गंदे, बच्चे गंदे, गुरु है वो बच्चे, तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, बच्चे कहां से गंदे? तुम्हें गंदे दिखे क्योंकि अंदर गंद है, तुम्हें गंदगी दिखेगी नहीं, तुम्हें गुरु दिखेगा। हर व्यक्ति शिक्षक है, हर व्यक्ति अध्यापक, हर कोई सिखाएगा। सीखने का जाम लो, जाम बन गया मजे की बजाय। जीवन में सुख के साथ, आनंद के साथ रहो। अहंकार बहुत जल्दी आएगा, 1 लाख से 2 लाख पे जाने जाते ही आपका गिरना शुरू। इसलिए हर प्रमोशन पे ठहरो, हर प्रमोशन पे चैतन्य रहो, सचेत रहो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम जो कर रहा है वो भी ईश्वर ही है, इसलिए स्वयं को प्रणाम करो। कृष्ण के पास ये ताकत थी, समझ थी, अहम ब्रह्मास्मि। आप सबके अंदर बैठे ब्रह्म को प्रणाम है, और कामना है कि आप सब भी अपनी कदर करें। ये बताओ, कोशिश एक पहले मैं तो जय हिंद करने वाला था,
क्या जी कोशिश वर्ड नहीं बोलो, कोशिश वर्ड क्यों नहीं बोलना, कोशिश वर्ड मूलाधार का है, कोशिश मींस ये काम नहीं होना चाहिए, इस पर पूरी क्लास है, कोशिश नहीं झागलड्रिन का। जब आप कोशिश छोड़ते हैं और बकवास करते हैं, मंत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया है, तो आप थर्ड आई पे आ जाते हैं, गबल गबल जबल जबल विद फुदक फुदक, ठीक हो गया, याद रहे उटपटांग बात करो, उटपट फिर ये इन्होंने बड़ी मजा की उटपटांग, अभी अभी आपके लॉजिक ब्रेन ने बोला ये उटपटांग बात है, ये ही बात है जो है, यानी कि करना छोड़ दो, जब तक कर रहे हैं बाहर है मलमूत्र है, जब छोड़ दिया तो ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर के चक्र पे आके तो मोना मिलेगी, मोना तो आपको चाहिए, बीवी मारेगी, अरे इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बीवी मारेगी ये भी सत्य है, बीवी में मोना मिल जाएगी, देखिए बीवी में मोना मिल जाएगी, ये एक नया क्रांतिकारी इनका व्यक्तित्व, ये इन्होंने मतलब भुगत भोगी स्वयं जानते हैं कैसे होता है ऐसा, ये एक अलग कमाई है जीवन की, एक मैं को हम बोले बस, और कुछ ही वर्ड है, निकल जाए साक्षी भाव ऑन रखो, मैं का हम बना लो, हमेशा हमेशा ये शब्द लो कि सुख मिला, मजा आ गया, मजा आपने बोला नहीं, मजा छोड़ दो, मजा मुन्ना का काम, जब आपको मजे से आगे मिलना शुरू हो जाएगा तो आपके मुंह से सुख ही निकलेगा, यार बड़ा सुख मिला यार, तभी तो हमें सुख नहीं मिलता, ढूंढ रहे हैं ना, मजा भुगता रहा है, तभी तो कहता है यार लाइफ तो बढ़िया चल रही, पता है कुछ प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि सुख नहीं है, सुख क्या नहीं है इसलिए दुख भर लेते हैं, कुछ तो हो, फिर दुखी होकर कहते हैं बल्ले बल्ले दुख मिला दुख मिला दुख मिला दुख मिला, नहीं अभी कोई पूछता है कैसे हो बोलते मजे में, हाँ मुन्ना है ना, जब कोई बोलता है कैसे हो मजे में तो मुन्ना बोल रहा है, अच्छा तो फिर क्या बोलना चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्या, हम तो यही कहते हैं पता नहीं, अपने को नहीं पता कैसे, आपको पता है क्या बोले, प्रभु कृपा है, चलो ऐसा है अगर डर डर के कुछ भी बोलोगे तो फिर वही डर के नहीं, अच्छे से और बोले चल रही है यार कट रही है जिंदगी खत्म, ना हाय ना नाय, सोचता रहा खुद तू कैसी कट रही है, जो कहते थे पहले दाल रोटी चल रही है उनकी सिर्फ दाल रोटी ही चलती थी, इसके अलावा नहीं चलती, सूखी छोड़ के भयभीत नहीं होना, हाँ जी क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड वाला कौन सा जो उन्होंने बोला ना, वो समझ रहे हैं ना, वाइफ मुझे चीट नहीं कर रही है, उसका एक पोर्शन है डी जो वहाँ जा रहा है, बाकी तो वो है ही अच्छी, वो एनर्जी अपने आप ऑन हुई है, उसमें गलती नहीं है हमारी किसी की नहीं, हाँ जी कौन सी एक्सरसाइज कह रहे थे आप, डीप स्लीप, हाँ जी एक बात, जैसे आप कह रहे ना कि जो लोग बोलते हैं कि दाल रोटी चल रही है तो फिर उनकी दाल रोटी ही चलती है, अगर जो लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया तो कई बार वो फिर अहंकार नहीं आ जाता है इस बात में, इन्होंने बोला है कोई दाल रोटी चल रही बोलते हैं तो दाली रोटी चलती है, जो कहते हैं बहुत बढ़िया तो क्या अहंकार नहीं आ जाता उसमें, वो आपने स्वयं एनालाइज करना है, अहंकार से बोल रहे हो कैसे, ये आपको स्वयं एनालाइज करना है, यही तो साक्षी है, बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया कैसे चल सकती है, बस चल रही है बढ़िया, फिर दिमाग बना रहा है बहुत बढ़िया भी कंपैरिजन से, ये सब मुन्ना और छैनू के गेम है, आपसे कोई पूछे कैसी चल रही है, बोले कागज कलम दवात ला अभी लिख दू दिल तेरे नाम पे, अभी बताओ तुझे कैसे, बोले क्या पता कैसी चल रही है, या इतने ब्रेव रहिए, ऐसा है भाई दिमाग तो है दुखी, बच्चों ने हमारा खून पी रखा है, हस्बैंड नकारा हो चुका है, प्रॉपर्टी का किराया नहीं निकल रहा है, जो भी बोल रहा हूं भाई बहन जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, बहू खराब आई है, जवाई सुनता नहीं, सारे रिमाइंड सच, या सच बोलने की ताकत रखो, यदि आप सच बोल सकते हैं अगला बंदा आपसे कहेगा आज अंतिम दर्शन ना 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 रे दिलेर मेहंदी जिंदाबाद अगली बार ना पूछूंगा, सत्य बोलने की ताकत रखो, जो व्यक्ति भज रहा है कर्जा है कर्जा, उसका कर्जा चल रहा है, जो भज रहा है कोरोना उसका कोरोना चल रहा है, आपके अंदर विश्वास की शक्ति बोध की शक्ति यही तुरी है, यही वो फोर्थ डायमेंशन है जिसके कारण आप चल रहे हैं, सत रज तमस को बांध के चलाने वाला, एक हैवी वर्ड बोलूंगा इसको समझने के लिए, जो स्पिरिचुअल वर्ड की बात को समझते हैं वो जानेंगे, एक होती है इजनेस, एक होती है वननेस, एक होती है नथिंगनेस, उन तीनों का समावेश इस तुरीय की वजह से है, इजनेस हो जाना है, दिस इज अ बोर्ड इज, दिस इज अ क्लॉथ इज, है होना, वननेस एक हो जाना सब तत्वों का, नथिंगनेस कुछ भी नहीं, ये तीनों एक ही के तीन स्वरूप है, और कौन है वो है चतुर्थ तुरीय, ज्ञान पीछे का एरिया है, इसके पीछे चलता सत्य चित्त आनंद, ज्ञान के आगे का मूलभूत संसारिक रूप क्या है, विज्ञान, हमारे भय का कौन
केंद्र है छैनू और मुन्ना, हम थोड़ी भयभीत होते हैं, तुरी को क्या लेना देना, रात सोता है कौन जानता है भय को, अमा कौन जानता है साला मृत्यु को, डेथ बॉडी का स्पंदन पुनः पावर पकड़ता है, निर्वाणा क्लास है इसके ऊपर, ये हमारी डेथ बॉडी को सुला देता है। प्लूटो से बहुत दूर होते हैं, यमराज से बहुत दूर, सबसे नीचे के चक्र पे प्लूटो है, ब्रह्मांड के अंतिम कोने पे प्लूटो प्लैनेट है, हम उससे दूर होते हैं, भय से मुक्त होते हैं, मुक्त वो परमात्मा की गोद है, इसलिए नींद को सोना कहा जाता है। और मृत्यु क्या है, शाश्वत सत्य, शाश्वत नींद, परमानेंट नींद इज डेथ और पार्शल डेथ इज नींद, इसलिए मर के कितना मजा आता है। एक शब्द है जिसको बोलने मात्र से समस्याएं उड़ जाती हैं, पर उसे विश्वास से फॉलो करो, मरने दे ना, करके दिखाओ, मरने दे साले, दफा कर, इसमें साले डालने हैं, ससुराल वाले नहीं डालने, अपनी इच्छा है, आप अपनी चॉइस के अनुसार, जैसे भाई नमक मिर्च का मसाला हटा दो, ऐसे साले जोड़ हटा सकते हैं, पर मरने दे साले, ये करके देखिए, आपका परमात्मा परम तत्व आप ही हैं, वही असली मैं है, उसी के दम पर सब चल रहा है। इनवर्ड्स जाइए, अंतर यात्रा पर पहुंचिए, और कोई प्रश्न रह गया तो छोड़ दीजिए, मुझे ऑफ कर दो, डीप स्लीप पे पूरी क्लास है, पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन पार्ट टू, दादाजी एंड स्लीप, उस पे देखें, अब हम अगली बार लेंगे, नहीं तो मेरे सर जो होगा देखा जाएगा, ये बोल सकते हैं किस लिए, बोला जैसे भी कोई अपने आप को, इन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा किस लिए, इस पे हमें क्लास करनी पड़ेगी, इसलिए हम हर काम इसलिए करते हैं, नहीं नहीं जैसे मतलब नॉर्मली क्यों बोल रहा है, मौन, अगर मन में कोई उथल पुथल, मन में उथल पुथल नहीं है, इन्होंने बोला मन में उथल पुथल है, जब जीवन में अशांति है ना, अशांति इसका मतलब मन मुन्ना चल रहा है, शांति का मतलब है मुन्ना सो रहा है, अशांति का मतलब ही है मन, मन शांत है ऐसा कुछ नहीं होता, मन शांत नहीं होता, मन मूर्छा में चला जाता है, उसे सम्मोहन कहते हैं, अब कहां चला जाऊंगा, कहीं की कहीं बात पड़ जाएगी, मन का मूर्छित हो जाना सम्मोहन है, हम चले जाते हैं, एक भागवत सप्ताह चल रहा है वृंदावन में, उसको सुन रहे हैं, एक को भी समझ नहीं आ रहा, धेरा सब सम्मोहन में, आ राधे राधे, अभी नाचने को मिलेगा आधे घंटे में, भुजाएं भड़क रही है, अभी नाच मारूंगी धरती तोड़ दूंगी मैं, कुछ नहीं और सम्मोहन है, आपको समझ में धेरा नहीं आ रहा, किसे समझना है, अंदर बैठा है वो समझने वाला, इसलिए मूर्ख कई बार गुरु बन जाता है, मूर्ख अमीर बन जाता है, मूढ़ व्यक्ति सफल हो जाता है, शराबी कबाबी और आनंद में रहने वाला, प्रसन्नता में रहने वाला बीमार नहीं पड़ता, बेस्ट खाना खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था स्टीव जॉब्स को, फ्रूट खाता था, वेजिटेरियन डाइट्स लेने वाले लोग बर्बाद होते हैं, ये बहुत डिफरेंट है, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं क्या खा रहे हो पी रहे हो, और वो परमात्मा ही आप हो, जब वो आप जान जाते हो, ग्रेविटी से दूर चले जाते हो, खतरा इतना है कि इतना दूर ना चले जाओ कि विखंडन हो जाए, किसी चीज को चाहना मुन्ना का काम है, वही अशांति है, मुन्ना ऑन है, इतना देखने से ही शांत हो जाएगा, और चाहिए क्या दीपिका, आखिर में हमें शांति चाहिए, मुन्ना ठीक है, चलो पाजी किचते सोचो बाकियों का की होएगा, एक कोई है कि साढ़े को भी तुसी ले लेनी तो फिर आनंद कीजिए, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अंदर बैठे तुरियों को स्थिर हुए के द्वारा प्रणाम, थैंक यू सर, थैंक यू जी, नमस्कार, थैंक यू जी, थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो, ठीक ठीक। अरे ऐसे चलता फिर करेंगे भाई, करना मेरे पीछे पड़े रहना, मैं क्या करूँ, फंसे रहते ना, आओ जी, लवी जी, आपकी टी शर्ट कर, ओके जी, नमस्कार, याद दिलाई बेटा, पीछे पड़े रहना, अभी फोन करियो कल, फिर करियो कल, क्या करें, जस्ट रहते, हाँ फोन कर लेना ना मुझे, धंधे नहीं छुए तुमने, हाँ।
घुटने छुए हैं। हाँ, अब ठीक लगा, अब ठीक है। अब देख लो खतरा आने का खतरा है यहाँ पर, ये होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। इसलिए घिसाई की जरूरत नॉर्मली बोलते थे कि जैसे कि बेटा अरे जरूरत नहीं है, मुझे गाली भी बक दो मैं वहां ताकत ले लूंगा। ऊर्जा का फ्लाइट है, ऊर्जा फ्लाई करती है, कोई फर्क नहीं है। गाली ज्यादा पावर की ऊर्जा होती है, हमें ऊर्जा हीट करनी है, हमारा लालच दूसरा है। ठीक है, बढ़ो। ये बात है, एंजॉय करो जी, फिर अब क्या करें। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कुछ रहा था नहीं तो कर ले, अच्छा था लड़का देख के ध्यान। ठीक है, मैं तो जो खानी हो ब्रेड उसमें मक्खन लगा लेना चाहिए, अपना मतलब सिद्ध करना है। खाओ उड़ाओ। अच्छा ओके बच्चे, खुश हो। लव यू बेटा।